Hey guys, welcome back to my channel, Divinity Tarot Horoscope, where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जो शायद आपको पता नहीं है, अप्रत्याशित है और जिसके द्वारा आपको अपने जिंदगी में काफी मदद मिलेगा. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली किस तरह से आ सकता है, फ्यूचर सिचुएशन क्या हो सकता है. सो वो आपके लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी फाइनेंस, आपकी ट्रैवल, किसी भी फील्ड से रिलेट हो सकता है. सो किस तरह से अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं. सो वी डू हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बट इट इज अ एक्सलेंट कार्ड. ठीक है, यहाँ पे जो है वी डू हैव द हर्मिट. ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स. वाओ, वी डू हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स. ग्रेट, नाइन ऑफ कप्स, द स्टार, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. कुंभ राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे है. पाइसेस, मीन राशि यहाँ पे है. ओके, एंड कुंभ, मिथुन, तुला तो है ही. कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. आई डू फाइंड किसी की नक्षत्र हो सकता है मघा, किसी की नक्षत्र हो सकता है यस रेवती, कुछ लोगों के लिए नक्षत्र हो सकता है रोहिणी, कुछ लोगों के लिए नक्षत्र हो सकता है आई डू फाइंड लाइक शतविशा, कुछ लोगों के लिए नक्षत्र हो सकता है पुष्य, इस तरह से मुझे दिख रहा है. आई डू फाइंड नंबर्स इम्पोर्टेंट लाइक 4, 9, 7, 8. 4, 7, 8, 9 कैन बी वेरी इम्पोर्टेंट. सो अप्रैल, सितंबर, जुलाई, अगस्त, स्पेसिफिकली जुलाई अगस्त कैन बी वेरी इम्पोर्टेंट. नाउ आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली नाउ. सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और हम आपको बताते हैं. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में सिचुएशन किस तरह से रहने वाला है और क्या खुशहाली आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अवश्य आएगा. सो पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ, द स्टार कार्ड इज़ ऑल अबाउट द विश फुलफिलमेंट अलॉन्ग विद द नाइन ऑफ कप्स. हो सकता है कि आपके सपने बड़े हो बहुत ज़्यादा और उसको पूरा करने के लिए शायद बहुत सारे लोग आपको बोल सकते हैं कि खामखा तू वहाँ पे जा रही है, खामखा तू वहाँ पे जा रहा है. सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. दूसरे शहर में जो तू जा रहा है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तू वहाँ पे ना हो पाए. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको गलत ठीक है दिशा दिखा रहे हैं. पेरेंट्स बोलते हैं दैट इज ड्यू टू देयर इनसिक्योरिटी, उनकी बात को पकड़ना नहीं है आपको. बट अगर आप जानते हो कि उस शहर में राइट आपकी मनोकामना पूरा हो सकता है, सो व्हाई नॉट. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल क्वाइट बैलेंस योरसेल्फ. आप हमेशा ही मॉडरेशन का जो है वो रूल फॉलो करोगे और आपके सपने जो है पूरा होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर. और दूसरा चीज है, कुछ लोगों का यहाँ पे जैसे अगर आपकी आस्था ठीक है बढ़ जाता है ब्रह्मांड के ऊपर और इस आपके पास जो जो भी ब्लेसिंग्स है ठीक है, जो जो भी आशीर्वाद है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड यू शो ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स. बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होते. जॉबलेस को पूछो, उसके पास जॉब नहीं है. जो दो टाइम की रोटी कमा नहीं सकता उसको पूछो ठीक है, जो ट्रैवल नहीं कर सकता उसको पूछो.
हर एक चीज हमारे जिंदगी में हो ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन जितना भी हो हम अगर आभार माने, आभार प्रकट करें कि यूनिवर्स थैंक यू दैट आई हैव एवरीथिंग, तो आप देखोगे कि आपकी ब्लेसिंग्स और भी ज्यादा बढ़ रहा है। एंड आई डू फाइंड कि आप बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, ठीक है। इन फ्यूचर यू विल गेट व्हाट यू हैड डिजायर्ड। आपने जो भी ख्वाहिश रखा है, ठीक है, कामना आपने रखा है, वासना आपने रखा है, तो वो पूरा होगा। हमारे जो धर्म होते, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उनमें तीन चीज है। एक तो है हमें मोक्ष प्राप्ति, वो हमें करना है। दूसरा चीज है हम धन दौलत शोहरत का भी हमें मजा लेने चाहिए। तीसरा है हमें बहुत ज्यादा ज्ञान भी हमें मिलना है, तभी जाके हमारा लाइफ जो है वो कंप्लीट होता है। सो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड लर्नर। मैं सिर्फ डिपार्टमेंट्स की या कुछ स्टडीज की बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी सेक्टर में ज्ञान है, और वो इंटरनेट में भी अवेलेबल हो सकता है, वो बुक्स में भी जो लाइब्रेरी में रखा हुआ है वो भी अवेलेबल हो सकता है। मे बी आपको लाइब्रेरी के में एक्सेस मिल जाए फ्री में, एंड यू जस्ट टेक द बुक्स आउट ऑफ द लाइब्रेरी और आप पढ़ते रहो। हो सकता है कि आप जिस खानदान से आते हैं, ठीक है, हो सकता है उसमें क्या है ना, पढ़ाई का जैसे माहौल नहीं है, सो हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं आपके घर में। तो ये आने वाले समय में आप फ्यूचर में लाइब्रेरी में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि बहुत ज्यादा जैसे बहुत कंपटीशन, इवन मिस यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, ये सारे कंपटीशन से भी पहले कंटेस्टेंट्स ने क्या किया है आपको पता है? सिर्फ बॉडी शो करना ही उनका काम नहीं था, दे हैड बीन आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस उनको पूछा गया था जनरल नॉलेज के बारे में। सो, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। सो, आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अभी भी आपको अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने अपने आप को जान लिया उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एंड यू नीड टू नो दैट सारे आंसर्स जो है वो हमारे यूनिवर्स में ही है, वो आंसर्स आपको मिलेंगे। देर आर सीक्रेट फॉर्मूलाज, देर आर सीक्रेट कोड्स दैट डेफिनेटली ओके यू विल नो दैट, ठीक है। कोड्स ऑफ द यूनिवर्स, कोड्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स की समाधान जो है वो आपको मिलेगा। द हर्मिट विद द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे जैसे योगी लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा ज्ञानी और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक आप लोग हो इस ग्रुप में जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, और उनके ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारा, ठीक है। आई डू फाइंड अगर आप अभी सिंगल भी है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, सो इट विल नॉट मैटर फॉर यू। आपने सोच ही लिया होगा, ठीक है, अभी मैं सिंगल हूँ, इन फ्यूचर तो मैं इस तरह से मेरा नहीं होगा, आई विल हैव माई फ्रेंड्स, आई विल हैव माई पार्टनर। सो आपके हर एक मे बी आपके 9 विशेस है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, एंड देट दे आर गोइंग टू गेट फुलफिल। आई डू फाइंड कुछ लोगों का ऐसा है कि आप लोग ट्रैवल करें इस तरह से जहाँ पे लग्जूरियस ट्रैवल हो, आराम कंफर्टेबल बिजनेस क्लास में आप लोग ट्रैवल करें, जहाँ पे सारी सुख सुविधा। अभी तो बिजनेस क्लास अगर फ्लाइट आप देखो, देर आर ऑल्सो स्विमिंग पूल एंड जैकूजी, ठीक है, इन साइड द पैसेंजर्स सीट। सो आप एक केबिन के अंदर रह रहे हो वहां पे, ठीक है, इवन इन क्रूज लाइन ऑल्सो, इवन इन ट्रेन्स, ठीक है, आप देखते हो दैट इज अ पैलेस ऑन व्हील्स जो जाता है स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान, एंड यू विल फाइंड द 5-स्टार होटल ऑन इन अ ट्रेन, राइट। सो वहां पे उस तरह की सुविधा आप इमेजिन करो, तो उस हाइट पे आप पहुंच रहे हो, उस सक्सेस की तरह पहुंच रहे हो। लेकिन अगर बहुत सारे लोग शेफ शिफ्टर हो सकते हैं आपके जीवन में, कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे, उनके रंग बदलते जाएंगे, लेकिन आपका जो जिंदगी में मोटिव है वो बदलना नहीं चाहिए। आई डू फाइंड कि आप वो बहुत ज्यादा, ठीक है, क्रिएटिव प्रोफेशन में जाने वाले हैं, जिसके वजह से आपकी जो मतलब एक्सेलेंस ओके इन प्रोवाइडिंग
द राइट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कस्टमर. जो भी कस्टमर्स होंगे, जो भी क्लाइंट्स होंगे, आपके क्रिएशन के अनुसार, ठीक है, उनको बेस्ट चीजें मिलेगा. ऑर्गेनाइज करने का तरीका आपको पता होगा, ठीक है, कैसे लोगों को टीम में आपस में बांध के रखते हैं. टीम में भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन अगर झगड़ा हो गया तो कंपनी लॉस में ही चला जाएगा. सो यू विल हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो इन द फ्यूचर. दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि इन द फ्यूचर में भी आप लोग योगा या मेडिटेशन नहीं किया करते थे, मे बी आप लोग विश्वास भी नहीं किया करते थे, बट धीरे धीरे आपको फील होगा कि जितना आप योगा, रिलैक्सेशन, म्यूजिक ये सब सुनोगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली, ठीक है, देयर विल बी द प्रॉस्पेरिटी. किसी को आप मिल सकते हैं एट द वर्क प्लेस और वो आपकी काम का बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, तारीफ ही तारीफ करेंगे. एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग मे बी एज में, मे बी आफ्टर 40, ऐसा हो सकता है किसी का एज, तो हो सकता है आपको लगे कि इस एज में मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है. यू विल लर्न डिफरेंट टॉपिक्स, हो सकता है कि आप कुछ न्यू चीज़ों के बारे में ऑनलाइन में सीखें, मे बी कैसे, फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू बेक द केक्स, हाउ टू डू, यू कैन से दैट कस्टमाइजेशन ऑफ पेंटिंग आर्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ आप सीखेंगे घर में बैठ के, और उससे भी आपकी रोजगार जो है वो बढ़ेगा. अगर हम फाइनेंस की बात करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, लास्ट हमारे पास तो था लाइक द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक यू विल ब्रेक द आइस. कहीं ना कहीं पे आपकी कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा रोजगार करने का तरीका भी ढूंढ देगा. हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन में भी यू वॉन्ट टू राइट अ जॉब, ठीक है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, मे बी आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आप एंकरिंग बहुत अच्छा से करेंगे इन फ्यूचर, तो स्पॉटलाइट में आना ही है आपको, राइट. बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, एकदम मतलब फोकस में आना चाहते हैं, तो वो होते हुए दिखाई दे रहा है. आई डू फाइंड कि आप जिनके ऊपर भी ट्रस्ट करेंगे वो काफी ज्यादा सुलझे हुए और मंझे हुए इंसान होंगे, और आई डू फाइंड लाइक दैट समझदार इंसान जो है वो कभी भी इस तरह से आपकी जो ट्रस्ट है वो कभी भी तोड़ेगा नहीं, ठीक है, और ना ही आपको शिकायत करने की मौका देंगे कभी. आई डू फाइंड लाइक दैट. तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. एंड यू विल डिस्कवर योर न्यू साइड. आप अपने बेस्ट वर्जन बनेंगे. जैसे कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट होते जाता है और उतना ही हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है. सो जिस तरह से एंड्रॉयड वर्जन, एप्पल का वर्जन, जो भी हो वो बदलते रहता है, और हमारे लिए वो अच्छा ही होता है क्योंकि हम इजीली उसको यूज़ कर पाते हैं. सो लेट्स सी कि आने वाले समय में सिचुएशन किस तरह से रहेगा और आप क्या प्राप्त करोगे. विल ऑफ फॉर्चून यही प्राप्त करोगे, कर्म का जो फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा. सो यहाँ पे क्या है, विद द आउल आई कैन फाइंड with your knowledge, with your intelligence, right? With your cool and calm nature. जो आउल होते हैं काफी ज्यादा शांत है, ठीक है, बाकी जैसे कौवे ना बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, पर आउल they're very quiet, very silent, ठीक है. और यहाँ पे मुझे लक्ष्मी जी की जैसे होता है ना कि उनकी वाहन जो है, मतलब उनकी जो करियर है वो आउल होती है. सो आउल विल ब्रिंग गुड फॉर्चून. अगर आपने देखा भी कभी व्हाइट आउल को, सो इट ब्रिंग्स द गुड फॉर्चून इन योर लाइफ. और ऐसे भी होगा. लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. नाइट ऑफ वैंड्स. यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस एज वेल एज रोमांटिक ओके एनकाउंटर्स आपके जिंदगी में होते रहेंगे. बहुत बार आप अपने जिंदगी में रोमांस और लव को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं. नाइट ऑफ कॉइंस. भले ही चीज स्लो हो, एलिफेंट इज लाइक दैट, यू नो, इट्स वेरी मच स्ट्रॉन्गर, बट ये धीरे से चलता है. लेकिन अगर कोई भी इसके सामने आ जाए तो वो उठा के पटक फेंकेगा, अगर वो उसको पसंद नहीं करता है तो उस तरह से. बॉटम ऑफ द डेक देखो, सिक्स ऑफ कप्स. सो देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन अगेन इन योर लाइफ. आई डू फाइंड द वाइट लवली. कैंडल्स, कप्स, ठीक है, डिनर अरेंजमेंट्स, यहाँ पे देखो दोनों
मिलके एक छतरी के नीचे, वो वाला प्यार, प्यार हुआ, वो वाला गाना, वो वाला ये है कहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये गिर जाता है कभी कभी, इट गॉट स्लिप. ओके, साइड टू फाइन, काफी प्यार में फिसल चुके थे आप, राइट. थैंक्स गॉड कैमरा ऑफ नहीं हुआ. ओके, सो सिचुएशंस किस तरह से हो सकते हैं, अवर्स फंक्शन देखो, विद द स्टार कार्ड आई डू फाइंड कि ऑफ कोर्स आप जिस भी लेवल पर हैं उस लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा ऑनर, ठीक है, मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा. टू एक्यूरेट, आपकी जो रिजल्ट्स हमेशा निकल जाएगी, सपोज आपने कोई भी टेस्ट दिया या एग्जामिनेशन दिया, या आप ऑलरेडी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, या आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, सो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा. सो रिसर्च स्टडीज वुड ऑल्सो बी ग्रेट फॉर यू. सम प्रेगनेंसी क्रेविंग्स, हो सकता है कि इस जिस दौरान आप देख रहे होंगे आपको कुछ खाने का मन करे, ठीक है, वीडियो देखने के बाद. वैल्यूएबल गिफ्ट, बहुत मूल्यवान गिफ्ट आपको मिलेगा, मे बी फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम समवन एल्स. परफ्यूम्स, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है ब्रांडेड परफ्यूम्स, या परफ्यूम्स लगाना आपको चाहिए क्योंकि शुक्र जो है वो अच्छा होता है. एंड अननोन प्लेस, कोई ऐसी जगह पे आप जाएंगे जहाँ पे बहुत कम ही लोग उसको जानते हैं. लेगेसी, आप अपने खानदान, डेफिनेटली आप चिराग हो उनके, तो ऑफ कोर्स आप उनके खानदान का जो है नाम, रेपुटेशन और बढ़ाओगे, और उनका भी अच्छा चीज़ आपको मिलेगा, इवन प्रॉपर्टीज भी हो सकता है. ओके, स्टे अवे फ्रॉम शुगर कोटेड पीपल, मैंने आपको यही बताया कि कुछ लोग हो सकते हैं कि आपसे फ़ायदा ले और भागे, ठीक है. मेक श्योर कि आप अपना दिमाग जो है इन लोगों के वजह से ख़राब ना करें. मे बी आपने उनके लिए किया है और उन्होंने आपका कुछ किया ही नहीं, ठीक है. ऐसा हुआ है मेरे साथ भी और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ भी मेरे, कि जिन्होंने किया है बट उसको कुछ मिला नहीं वापस, उसने उस ग्रुप के लिए बहुत कुछ किया बट वापस उसको कुछ मिला नहीं. लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक ना एक दिन तो आपको वो चीज़ मिलेगा ही, बिकॉज द विल ऑफ कर्म दैट इज द विल ऑफ फॉर्चून, जो भी जैसा करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा, ठीक है. आई टोल्ड यू ऑलरेडी बिफोर, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे लाइफ में जहाँ पे आई कंसिडर दैट पर्सन एज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, पर उसने ऐसा क्या किया कि मुझे एक बार पूछा भी नहीं. आई वॉज फास्टिंग ऑन दैट टाइम एंड उन्होंने पूछा भी नहीं कि आपने कुछ खाया या नहीं, वो जहाँ पे मैं उनको हजार बार पूछ रही थी बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे, ठीक है, कि आपको क्या ट्रीट लेना है, बट मैं फास्टिंग में थी कि उस दौरान शिव जी का महीना चल रहा था, राइट, बारिश का सीजन था उस दौरान. एंड आई वेंट टू मीट दैट पर्सन, ओके, एंड दैट पर्सन वॉज इन सच अ मूड कि उसने मुझे कुछ ट्रीट नहीं दिया, बट उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया था. एनी वेज, मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है, उसने एक पर्टिकुलर कंपनी या एसोसिएशन के लिए बहुत काम किया बट रिवर्स नहीं मिले, बट अभी जाके वो फ्रेंड भी काफ़ी अच्छे से सेटल है, ठीक है, एंड दैट ऑल्सो इन अ वेरी रिच कंट्री. एंड दूसरा चीज़ है कि ठीक है, मुझे वो नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ मुझे ऑलरेडी मिला है, एंड वन ऑफ दैट इज योर लव फॉर माई चैनल. ओके, सो लेट मी सी, देखो कुछ मिलता नहीं है लेकिन ऐसा कुछ मिल जाएगा ना जो आपको बेहद खुश कर देगा, बेहद खुश कर देगा. सो सोलमेट कनेक्शन इज दैट व्हाट यू आर क्रेविंग फॉर, हो सकता है. एंड इमोशनल फ्रीडम, वो आपकी जो भी आपकी ज़िंदगी में आप करो, मतलब बिना हेजिटेट करके करो. देखो इनर पीस, देखो आप अपने काम में फोकस करें तो ही, यहाँ पे ना एक चीज़ रिपीट हो रहा है, ये स्टडीज़ बार बार, ऑफिस वर्क, ये सब कुछ चीज़, जितना आप अपने फोकस करियर में दोगे उतना ही अच्छा है, राइट. देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लाइब्रेरीज में जाना लिखा है और वही होके रहेगा,
लाइब्रेरीज में तो आप जाओगे ही जाओगे, चाहे आप ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस करो, अभी तो ऑनलाइन लाइब्रेरी आ चुका है, एप्स आ चुका है जहाँ पे एजुकेशन प्लेटफॉर्म अभी एप्स में होते हैं, उस दौरान आप कुछ एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो लाइब्रेरीज ही था, अभी भी है कुछ लाइब्रेरीज इन कोलकाता, देयर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे राइटर्स जाते हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल बी रीचिंग सच अ पोजिशन, आपकी आर्टिकल पब्लिश होगी, ठीक है, न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी हो, मैगजीन पे, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइज। I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, expert truth always exposes darkness.